शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ न्यायालय कसरावत में प्रातः 10:30 बजे प्रथम श्रेणी न्यायाधीश और अध्यक्ष विधिक सेवा समिति विवेक जैन द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। न्यायाधीश द्वारा नेशनल लोक अदालत में प्रकरण निराकरण हेतु बनाए गए विभिन्न विभागों के काउंटरों का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। एक ही गांव के दो परिवार लगभग 5 वर्षों से दुश्मनी पाले हुए थे। आए दिन एक दूसरे से झगड़ते एवं कोर्ट के चक्कर लगाते रहते थे। आज नेशनल लोक अदालत में अधिवक्ता डीआर पटेल एवं न्यायाधीश विवेक जैन के निर्देशन एवं प्रयासों से दुश्मनी भूल एक हुए और खुशी खुशी अपने गांव रवाना हुए। इस अवसर पर फलदार पौधा भेंट किया गया। न्यायाधीश विवेक जैन द्वारा बताया गया कि नेशनल लोक अदालत की यह अनूठी सफलता है, जिसमें ना किसी की हार और ना किसी की जीत दोनों पक्षों का सम्मान होता है। आज कसरावत न्यायालय में लोक अदालत के माध्यम से 53 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें लगभग 2,04,00,000 से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। सर, आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, वर्ष की शायद अंतिम लोक अदालत है, किस तरीके से लोगों में उत्साह है और क्या इससे लोग फायदा ले पा रहे हैं? लोगों में अपार उत्साह है। जैसे सभी को पता है कि हर 3 महीने में एक लोक अदालत का आयोजन होता है और ये इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत है और दिसंबर का माह है और नतीजे भी लोग चुनावों के हमारे आ चुके हैं, तो कुछ लोग जो इस आशा में बैठे थे कि चुनाव के नतीजों के अनुसार हम अपने प्रकरणों का निराकरण करेंगे, तो वो लोग भी अब अपना मन बना चुके हैं और हमारे जितने भी भाग हैं, बैंक हो, नगर पालिका हो, वो लोग भी उत्साहित हैं। अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को नोटिस किए गए हैं और लोक अदालत में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ना कोई हारता है ना कोई जीतता है, दोनों ही पक्ष अपनी राजीनामे से और सहमति से प्रकरणों का निराकरण करते हैं और इसका निराकरण इस तरीके से होता है कि इसके बाद इसकी कोई अपील नहीं होती। लोगों ने जो कोर्ट फीस अपनी कोर्ट में दे रखी थी वो भी हम लोग वापस कर देते हैं, तो इस प्रकार से लोगों का एक अंतिम समाधान हो जाता है, तो सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय लोक अदालत के माध्यम से लोगों को मिलता है और हमारे सभी वकील लोगों ने भी अपने पक्षकारों को लगातार उत्साहित किया कि लोक अदालत को बढ़ चढ़ कर भाग लें, तो हमें आशा है कि इस वर्ष अधिकतम प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।